जिस्मानी और जिंसी और अजावी कमजोरी के हवाले से बहुत अच्छी मेडिसन है। गाल पिचकी हुए और आपके जिस्म कमजोर है। दोस्तों, अगर आपके बाल टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं या टूट रहे हैं, दोस्तों मैं अपनी प्रैक्टिस की वो मेडिसिन जो मैंने खास तौर पर मर्दों में इस्तेमाल कराई है उसके हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि इस मेडिसिन से मुझे अफाका नहीं हुआ। दोस्तों, ये मेडिसिन जहनी, जिस्मानी और जिंसी और अजावी कमजोरी के हवाले से बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपके स्पर्म्स मनी काफ़ी अरसे तक ज़ाया होती रही हो तो उस हवाले से इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा शोहरत है। दोस्तों, अगर आप खाते हैं पीते हैं लेकिन आपका जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप खाते भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके गाल पिचकी हुए हैं और आपका जिस्म कमज़ोर है और आपको कतरे आते हैं, तो ये सारी इलामात एसिड फास्ट की हैं और एसिड फास्ट के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ऐसे नौजवान जिनकी उम्र तो कम है लेकिन उनका कद तेज़ी से बढ़ रहा है और उनकी खुराक मुनासिब नहीं है, तो दोस्तों इस हवाले से एसिड फास्ट बहुत अच्छी मेडिसन है। दोस्तों, अगर आपके बाल टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं या टूट रहे हैं, तो उस हवाले से एसिड फास्ट बहुत अच्छी मेडिसन है। दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है कि शुगर के मरीज जिंसी अजाबी और जिंसी हवाले से बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए दोस्तों एसिड फास्ट नंबर वन मेडिसन है। दोस्तों, मोहब्बत में नाकामी, नाउम्मीदी, मायूस लोगों के लिए एसिड फास्ट बहुत अच्छी मेडिसन है। दोस्तों, कसरत जमा के बाद जो कमज़ोरी आती है, सर में दर्द रहता है और चलने में दोस्तों बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, स्किन दोस्तों बिल्कुल येलो पड़ जाती है, कमज़ोरी का एहसास होता है, एसिड फास्ट दोस्तों उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, वो अफराद जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है या वो लोग जिनको शुगर है तो उनको वैसे भी बहुत ज़्यादा आता है, वो भी इस मेडिसिन से फ़ायदा उठा सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स, वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके दूध की मकदार कम है और अगर वो अपने दूध की मकदार बढ़ाना चाहती हैं तो एसिड फास्ट क्यू उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टेप मैं ना बताऊँ तो वीडियो अधूरी है। दोस्तों, वो अफराद या वो जवान जो अपनी जवानी को ज़ाया कर चुके हैं मैस्टरबेशन करके, दोस्तों उनका चेहरा बिल्कुल चिपक गया है, बहुत ज़्यादा पतले हैं, कमज़ोर हैं, आँखें उनकी अंदर धस गई हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी, हाज़ों का दोस्तों बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, हर टाइम उनको सुस्ती रहती है, नींद का एहसास रहता है कि हमें कोई जगह मिले और हम सो जाएं, तो एसिड फास्ट दोस्तों उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसन है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।